सुप्रभात प्यारे बच्चों, कक्षा 7 द्वितीय पाठ लट लकार यानी के वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के प्रथम पुरुष के तीनों वचन संस्कृत में कितने काल माने गए हैं? 5, जिसमें से पहला है लट लकार यानी के वर्तमान काल में होने वाला कार्य। किसमें? प्रथम पुरुष के तीनों वचन, जैसे कि ऐसे अश्वस्ति, यह एक घोड़ा है, अश्व मार्गे धावती, घोड़ा मार्ग पर दौड़ रहा है, सा कन्या अस्ति, वह लड़की है, कन्या है, कन्या विद्यालयम गच्छति, कन्या विद्यालय जा रही है, एतो सिंहो इस्ते, ये दोनों शेर हैं, सिंहो वने गर्जते, दो शेर वन में गरजते हैं, ते मूषके इस्ते, वे सब चूहे हैं, मूषके गृह धावते, चूहे घर में दौड़ते हैं, एते धावका संति, ये धावक हैं, ये सब धावक हैं, धावका क्षेत्रे धावंती, सब धावक क्षेत्र यानी के मैदान में दौड़ते हैं, ता छात्रा संति, ये सब छात्र हैं, ता पुस्तकानि पठन्ति, ये सब पुस्तक पढ़ रहे हैं, एता नौका संति, ये है नाव है, नौका जले उपरि तरंती, नौका जल के ऊपर तैरती है, एतानि पत्राणि संति, ये सब पत्ते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, जो पेड़ों से गिरते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं, एता मधुमक्षिका संति, यह सब मधुमक्खियां हैं, मक्षिका पुष्पेशु भ्रमन्ति, मक्खियां पुष्प यानी फूलों पर भ्रमण यानी कि भ्रमर करती हैं, तानी मित्राणि संति, वे सब मित्र हैं, मित्राणि उपवने क्रीडन्ति, सब मित्र बगीचे में खेलते हैं, इदम् उद्यानम् अस्ति, यह एक बगीचा है, अत्र अनेकानि वृक्षाणि संति, यहाँ अनेक वृक्ष हैं, वृक्षेषु खगाः निवसन्ति, पेड़ों पर पक्षी निवसन्ति यानी रहते हैं, खगा फलानि खादन्ति, पक्षी फल खाते हैं, पुष्पाणि प्रस्फुटन्ति, फूल खिलते हैं, पुष्पेषु भ्रमरा गूंजन्ति, और फूलों पर भंवरे गूंजते हैं, प्रातःकाले अत्र जना भ्रमन्ति, प्रातःकाले सुबह के समय यहाँ अत्र यानी यहाँ जना यानी लोग भ्रमन्ति या भ्रमण घूमने के लिए आते हैं, अहम अपि प्रातःकाले भ्रमामि, अहम अपि मैं भी प्रातःकाले सुबह के समय वहाँ घूमने के लिए जाता हूँ, मम भ्रातृ अपि मेरा भाई भी, अत्रैव आगच्छति यहाँ आता है, उद्याने एके तड़ागे अस्ति, बगीचे में एक तालाब है, तड़ागे मत्स्या तरंती, तालाब में मत्स्या यानी मछलियाँ तैरती हैं, कमलानी विकसंती और कमल खिलते हैं, छात्रों सारे कार्य जो हैं लट लकार यानी के वर्तमान काल में हुए हैं प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।